का जीरो स्टार रूम और हम रुकने वाले इस झोपड़े के अंदर पूरे 24 आवर। तो ये है मेरा 5 स्टार रूम। तो यार अगले 24 घंटे तक मेरी टीम रुकने वाली है जीरो स्टार झोपड़े के अंदर और मैं रुकने वाला हूँ यहाँ पर 5 स्टार झोपड़ी के अंदर। चलो हम अपने झोपड़े का पूरा टूर कराते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है हमारा किचन भाई। यहाँ पर मेरे को ही बनाना पड़ेगा खाना, अपने हाथों से बनाया, कांटे तोड़ के लगाया सब कुछ। ये दरी बिछी हुई है, ये पानी का घड़ा पड़ा है और ये भगोनी है जिसमें हम खाना वाना बनाएंगे और ये हमारी टोकरी जिसके अंदर हमने सब्जियां वगैरह रख रखी है, प्याज नींबू वगैरह ये। और ये हमारा बेड है यहाँ पे जिसपे हम सोएंगे, पूरी रात बिताएंगे, पूरे 24 आवर्स यहीं पे बिताने वाले। तो भाई देख लिया आपने उनकी झोपड़ी, उनकी शक्ल की तरह बिल्कुल घटिया थी ना। और अब आप देखो यार मेरी झोपड़ी यहाँ पर, आप देखो कितना मस्त है भाई। यहाँ पे ना झोपड़ी के अंदर देखो ग्लास लगा रखा है, देख रहा। और हमारे पास में है प्राइवेट पूल, उनके पास में तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। ना ही उनका किचन है, ना ही उनके पास में प्राइवेट पूल है, अपने पास में सब कुछ है, किंग साइज बेड है, प्राइवेट पूल है। तो सबसे पहले ना आपको अंदर चल के बताते हैं कि क्या क्या हमारे को मिल जाता है। ये खुल चुका है अपना रूम, लुक एट दिस। ओ भाई कितना मस्त है यार, एक नंबर भाई, गजब लग रहा है। देखो भैया कितनी सारी मूर्तियां है और इसको इस तरीके से बिठा रखा है सबको। और ये क्या भाई, ये है ना गांधी जी का चरखा, लुक एट दिस। इसको फुल स्पीड में घुमाऊंगा भाई, भाई किस तरीके से घूम रहा है ये है गाइस अपने गांधी जी का चरखा। और बाकी यहाँ पर आप देखो गाइस ये है मस्त वाला सोफा, यहाँ पर भी हम आराम से सो सकते हैं, काफी ज्यादा बड़ा है। और ये दो सोफे अपने को और मिल जाता है। इसके अलावा मस्त चीज तो मैं रुको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर है अपना प्राइवेट पूल जो आपको अच्छी तरीके से बाद में बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आप देखो गाइस ये है किंग साइड बेड, मैं आराम से सोऊंगा, आराम से मस्त मजे से। तो भाई आप लोग यार सोच रहे होंगे कि मैं उनके साथ में इतनी इंसाफी क्यों कर रहा हूँ। तो भाई करूंगा यार, क्योंकि 10 महीने पहले भाई वो रुके थे 5 स्टार होटल में और मुझे खेतों के अंदर छोड़ दिया भाई 24 घंटे बिताने के लिए। खेतों में घूम रहा था पागलों की तरह, ढूंढ ढूंढ के कुछ खा रहा था। तो आज मेरी बारी है भाई, वो रुकेंगे 0 स्टार झोपड़ी में। और यहाँ पर आप देखो भाई मेरी झोपड़ी तो एकदम मस्त है, ये नहीं है मेरी टीवी, आराम से मस्त मजा लूंगा, आराम से सोऊंगा। और मतलब कि अपने को किचन की तो जरूरत ही नहीं है भाई, उनको है किचन की जरूरत। तो यहाँ पर आप देखो जो भी मुझे खाना होगा आराम से ऑर्डर कर दूंगा, बस बाथरूम। ये है अपना बाथरूम और गाइस उनके पास में तो बाथरूम भी नहीं है भाई साहब, वो जाएंगे गाइस खेतों में और मैं आराम से मस्त मजे लूंगा। लेकिन भाई मजे भी कैसे लूंगा, मैं अकेला बोर हो जाऊंगा गाइस, ये चैलेंज मेरे लिए भी मुश्किल होने वाला है, मुझे बिताने हैं 24 घंटे। ओ भाई साहब कोई नहीं यार, बिता लेंगे। बाकी आप यहाँ पे देखो मेरे बाल भाई कितने मस्त लग रहे हैं, एक नंबर। और आप लोगों के भी काफी ज्यादा कमेंट आते हैं कि यार मेरे बाल इतने अच्छे क्यों हैं, तो बता दो सीक्रेट मैं आपको। तो चलिए बताता हूँ। तो गाइस मैं यूज करता हूँ मेरे बालों के लिए मुस्टेज का कोको एलो शैम्पू एंड कोको एलो का हेयर सीरम स्प्रे। और गाइस ये मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगता है और मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है भाई। तो ये देखो भाई ये है मुस्टेज का कोको एलो शैम्पू जो की बना हुआ है कोकोनट और एलोवेरा से। और ये देखो भाई इसमें है एलोवेरा के छोटे छोटे बीड्स जो की आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देंगे। और इतना ही नहीं ये एलोवेरा बीड्स आपको हेयर फॉल से भी बचाएंगे। और गाइस उस शैम्पू से नहाने के बाद ना आपको यूज करना है मुस्टेज का कोको एलो हेयर सीरम स्प्रे। और भाई ये आपके बालों को बिल्कुल स्मूथ, शाइनी और स्टाइलिश रखेगा भाई। और भाई इसे यूज करना बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान है, इसे अपने बालों से 10 सेंटीमीटर दूर रख के सिंपली स्प्रे करना है भाई, फिर अपने बालों को सिंपली अपने हाथों से या कंघी से सेट कर लेना है भाई, और इससे आपके बालों की फ्रिजनेस बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो गाइस आपको भी अगर डैंड्रफ और बाल उलझने की प्रॉब्लम हो रही हो तो यार इस किट को फटाफट से ऑर्डर कर लो भाई, मैं इसको पर्सनली यूज करता हूँ। तो भाई मैं इसको रेगुलर यूज करता हूँ तभी मेरे बाल एकदम सेट और शाइनी रहते हैं। और आप ही यूज करो, आपको इफेक्ट 100% दिखेगा भाई, आप लोग जाकर परचेज करो। मैंने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में लिंक दे रखा है, जाकर क्लिक करो। तो गाइस मेरे डिस्क्रिप्शन में आप देखो पहला और दूसरा लिंक होगा, तो हम चले जाएंगे फ्लिपकार्ट पर। तो गाइस ये रहा प्रोडक्ट, तो यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करके आप अपने लिए भी खरीद सकते हो। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगा सबसे मेन चीज, प्राइवेट पूल, लुक एट दिस गाइस। तो यहाँ पर हम आराम से आएंगे भाई, ये मस्त है, देखो इसके अंदर देखो लाइटिंग वगैरह भी है, तो हम रात में भी ना सकते हैं। और ये अपने को मिल जाती है पार्टी वगैरह करने के लिए अच्छी खासी लोकेशन। तो यहाँ पर है ना आराम से भाई 8-9 बंदे बैठ सकते हैं, पार्टी वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा ये देखो ये और चेयर वगैरह लगी हुई है बैठने के लिए, और उनके पास में तो केवल 2 मुंडे हैं, उन्हीं पर वो बैठेंगे और लड़ेंगे, मुझे पता है भाई उसके लिए भी वो लड़ेंगे। और उनके पास में केवल 1 खाट है और उस पर ही सोएंगे भाई, उनकी हालत पूरी खराब होने वाली है। कोई नहीं भाई, जब है ना मैं रुका था खेतों के अंदर आपको पता होगा तब मेरी भी हालत खराब हुई थी, आज उनकी खराब हो रही है, हालत होनी चाहिए भाई। वो है ना
मुझे भी परेशान करते हैं, तो आज होंगे वो परेशान। पता नहीं यार वो क्या कर रहे होंगे भाई। फाइनली यार चैलेंज की शुरुआत हो चुकी है और तीनों मुर्गे कुछ इस तरीके से बैठे देखो, क्योंकि हमारी झोपड़ी के अंदर करने के लिए कुछ नहीं है, दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारा चैलेंज जो है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। और यहाँ पे लक्ष्मण रेखा भी बना रखी है देखो, इस लाइन से हमें बाहर नहीं जाना और इसी के अंदर रहना है। किशोर किसका चैलेंज ज़्यादा मुश्किल होने वाला है? अपना ही होगा, और तो किसका होगा, वो तो आराम से ऐस करेगा होटल के अंदर, फाइव स्टार होटल में। मोनू क्या लगता है तेरे को? मैं दुआ कर रहा हूँ कि यहाँ से कोई रावण आए और लक्ष्मण रेखा से बाहर ले जाए मुझे। तो गाइस मैं बैठा बैठा बोर हो रहा था तो सोचा कॉफी बना लेता हूँ मेरे लिए, तो फाइनली जो पानी है वो तो गर्म हो चुका है। तो गाइस जो अपनी कॉफी है वो बनके तैयार हो चुकी है और मुझे यार काफी ज्यादा बुरा लग रहा है उनके लिए। यहाँ पर आप देखो मैं तो है ना कंबल के अंदर हूँ, मुझे इतनी सर्दी लग रही है, तो यार उनको कितनी सर्दी लग रही होगी, उनकी झोपड़ी तो बिल्कुल खुली खुली है भाई। मेरे दोस्त भाई वो कितनी मुसीबत में होंगे यार, याद आ रही है उनकी भाई, बोर हो रहा हूँ यहाँ पर मैं अकेला ही बैठा हुआ हूँ, कुछ है ही नहीं करने के लिए भाई। कॉफी पीता हूँ पहले तो फटाफट से। भाई सूरज देख कितना जा चुका है, अब हमें खाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। हाँ यार नहीं तो रात में मच्छर आएंगे। हाँ ठंड भी तो लगेगी, ठंड भी तो लगेगी। पूरा ओपन है अपनी झोपड़ी देखो, चारों तरफ बस घास लगी हुई है घास, ठंड भी लगने वाली है। तो हम क्या करते हैं, अब थोड़ी देर में खाने की तैयारी कर लेते हैं। बनाएगा क्या? दाल बाटी बनाएंगे, दाल बाटी। भाई हम बनाने वाले दाल और बाटी, क्योंकि हमारे पास देसी चूल्हा है, तो चूल्हे पे दाल बनाएंगे और फिर उसी के अंदर हम बाटियां बना लेंगे। तो अपन मिर्ची वगैरह काट लेते हैं। हाँ तैयारी करो चलो, क्योंकि देखो सूरज जो है कितना अंदर जा चुका है। फाइनली गाइज रात हो चुकी है और यहाँ पर देखो यार कितनी मस्त लाइटिंग हो रखी है, एक नंबर। लेकिन मैं दिल की बात बताऊँ, मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं है भाई। मैं कभी रूम में बैठता हूँ, कभी बिस्तर में सोता हूँ, कभी यहाँ पर आता हूँ, कुछ नहीं है करने के लिए, बुरी तरीके से बोर हो रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ खाना तो ऑर्डर कर दूँ भाई, खाना खा लेता हूँ। वो तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके गाइस खाना बना रहे होंगे, मुझे तो बस एक कोन में ऑर्डर करना है, आ जाएगा आराम से खा लूँगा। बाकी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है यार, बेचारे कैसे होंगे क्या पता। तो यहाँ पर हम सारी सब्जियाँ काट रहे हैं ताकि हम दाल के अंदर डाल सकें, उसके बाद हमारी दाल बनेगी। मोनू काट रहा है और किशोर हमारे लिए दाल बनाएगा मस्त वाली। उसे बोल आटा गोंद ले यार। हाँ तब तक वो आटा गोंद लेगा, तब तक हम यहाँ पे सारी की सारी सब्जियाँ काट लेते हैं, उसके बाद बनेगी हमारी दाल बाटी और खाएंगे मज़े से। वहाँ पर वो तो एक फ़ोन करते ही, ओए दाल की सब्जी लेके आओ, पनीर की सब्जी लाओ, रोटी लाओ, पानी की बोतल लाओ, सब। भाई फ़ोन उठाया, सब चीज़ें उनके तो सामने आएगी एक कॉल पे, हमें तो खुद मेहनत करके खाना पड़ रहा है। अभी देखना प्याज काटेंगे ना तब आंसू निकलेंगे, आंसू है ना मोनू। मोनू रोने वाला थोड़ी देर में। फाइनली गाइज मेरा और मेरे कैमरामैन का खाना आ चुका है भाई, काफी ज्यादा भूख लग रही है, फटाफट से खाना खाते हैं। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो हमने ना सिंपल सा खाना ऑर्डर किया है, ये है दाल तड़का और ये है आलू गोभी, ये प्लेन राइस और ये तो सलाद है नॉर्मल, यहाँ पे है लच्छा पराठा। फटाफट से खाना खाते हैं, आजा आजा तू भी खा ले। गाइस खाना खाते हैं और क्या पता यार उनका खाना बन गया है या नहीं, मुझे नहीं पता। फाइनली यार सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली, यहाँ पर हमारी आग भी जल चुकी है, वहाँ पे आटा गोंद के बाटिया जो है वो मोनू बना रहा है, किशोर ने मसाला वगैरह भी सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। अब जो है यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और यहाँ पे अपनी बाटिया सेकेंगे, तो इधर भी आग जलाएंगे। किशोर इधर भी आग जलानी है, लगा ले उठा ले। तो यहाँ से कुछ ले लेते हैं आग जला के, उसके बाद इसमें भी आग जला देते हैं ताकि इधर हमारी बाटिया बन जाएगी। फाइनली गाइस मेरा तो खाना पीना कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आपको एक शो दिखाने वाला हूँ, तो चलो आपको लेके चलता हूँ फटाफट से। और जो वो शो है वो फ्री है, जो हमने ये रूम बुक किया है ना पूरा का पूरा फाइव स्टार रूम, इसके साथ में इंक्लूडेड है। तो चलिए चलते हैं वो देखते हैं कि कैसा शो है भाई। फटाफट खा लेता हूँ पहले फटाफट से। तो गाइज आपको आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, जा रहा हूँ मैं जहाँ पर शो हो रहा है वहाँ पर और फिर आपको बताता हूँ क्या सीन है। गाइज यहाँ पर हमारी दाल और बाटी दोनों की दोनों बनके तैयार हो चुकी है और अब खाने की तैयारी है, क्योंकि भैया और इन्हें तो खाना खा लिया, हमें इसको बनाने में और पूरा तैयार करने में 2 घंटे लग गए भाई। अब आराम से खाएंगे, देखो दाल देखो कितनी प्यारी लग रही है, किशोर ने काफ़ी शानदार दाल बनाई है। यस और अब खाने की तैयारी है पूरी, तो चलो मिलते हैं खाना खाने के बाद, फटाफट से खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है, मेहनत का खाना है आज। मेहनत से कुछ भी नहीं खाया, सुबह से कुछ भी नहीं खाया भाई, आज तो वेपर्स भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम इस लक्ष्मण रेखा से बाहर भी नहीं जा सकते ना, तो लाए कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो हम बस 3 लोग ही हैं, वरना तो किसी से मंगा लेते, बाकी लोग तो भैया के साथ चले गए।
दो लोग हैं, वो दोनों गए। अब हम आराम से अपनी दाल और बाटी इंजॉय करेंगे मस्त वाली। क्यों तो अच्छी आ रही यार, मस्त है ना वो, एक नंबर। फटाफट खा लेते हैं, आप भी खा लो फटाफट। तो गाइज मैं तो वहाँ से उठ के आ गया क्योंकि जो वो गाने गा रहे थे ना, सारे के सारे प्यार मोहब्बत वाले गाने गा रहे थे। और आपको पता होगा यार, वैसा मेरा टेस्ट नहीं है, अपने को गाने पसंद है भाई। यो यो हनी सिंह, बादशाह, सिद्धू मूसे वाले सब मार धार वाले गाने हैं, उसमें आता है मज़ा। आलतू फालतू गाने कौन सुनता है। चलो चलते हैं फटाफट से अंदर और सोते हैं हम। अरे यार गाइज, गाइज यहाँ पर आप देखो सेम टू सेम कितने सारे रूम है भाई, कितने सारे। हमें भूल गए मेरा वाला रूम कौन सा है, शायद ये वाला है। फाइनली हमारा खाना पीना तो कंप्लीट हो गया। भयंकर सर्दी लग रही है यार, हमारी झोपड़ी पूरे खुले के अंदर है और वो तो आराम से 5 स्टार के अंदर सो रहा होगा गर्म एसी चालू करके। मोनू को कैसे काप रहा है, मनु क्या हुआ? खाना खाने के बाद सर्दी लगती है हमेशा। मेरे को भी लग रही है, बहुत ज्यादा सर्दी है। तो इसको देखो थोड़ी देर तो आग जला लेते हैं यहाँ पे। हाँ लगा, फटाफट लगा। सुनो मैं तो सो रहा हूँ उदड़ी ओढ़ के। क्यों क्या हुआ? सर्दी लग रही है बहुत खतरनाक मुझे तो। तुम आ जाना सो लो तो। भाई सर्दी तो बहुत भयंकर है यार, अभी तो सर्दी का माहौल है गाइस। हमने तो यहाँ पर आग जला रखी है, थोड़ी आग सेक लेते हैं उसके बाद में सोएंगे। भाई बहुत ज़्यादा ठंड है यार। किशोर सोएगा कहाँ पे? हाँ? सोएगा कहाँ पे? अंदर। भाई यहाँ पे तो एक ही वो खाट है अपने पास, तो नीचे भी नहीं सो सकते, पूरा खुला है, कोई कीड़े मकोड़े आ गए तो। यहीं पर सोएंगे, एक पे ही भाई। भाई एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत तो। भाई हमारे पास एक ही खाट है जिस पे हमें सोना होगा, वो तो आराम से फैल फैल के सो रहे होंगे कैसे भी पता नहीं। तो गाइस अभी रात की 9:30 बज चुकी है और कल सुबह 11 बजे मेरा चैलेंज खत्म हो जाएगा। फाइनली मैं बाहर निकल जाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है भाई। अब बोरियत हो रही है, खतरनाक वाली बोरियत। बस निकलना है मुझे यहाँ से, तो फटाफट से ये चैलेंज पूरा हो जाए और बाकी सोते हैं अब। गुड नाइट दोस्तों। हमारी झोपड़ी पूरी ओपन के अंदर है, चारों तरफ से सर्दी आती है, चारों तरफ से। देखो दो लोग वहाँ पे सो रहे हैं और मैं यहाँ पे थोड़ी देर आग सेक लेता हूँ। भाई बहुत ज़्यादा ठंड है। देखो एक ये पहन रखा है, ये टोपा पहन रखा है बस। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और वो सूरज में निकल चुका। देखो गाइस, ओ गाइस रात को पता नहीं कोई गाय वगैरह आई थी, हमारी झोपड़ी की हालत देखो क्या कर दी। देखो गाइस पूरा खड्डा कर दिया, यहाँ से पूरा चारा था ना वो सब खा गई गाय वगैरह। देखो देखो मैं आपको इनके पैरों के निशान बताता हूँ, और ये दोनों तो अभी भी सो रहे हैं दोनों के दोनों। ये देखो गाइस, ये रहे उनके निशान, ये उनके पैरों के निशान है। ये देखो आई होगी गाइस, इधर खेतों के अंदर तो आती रहती है गाय वगैरह। तो हम तो रात को सो रहे थे आराम से, आराम से तो क्या गाइस, पसर पसर के सो रहे थे। ये मोटा गेंडा, ये दोनों मोटे गाइस, मेरे को तो बीच में चिपका दिया इन दोनों ने। गाइस यहाँ पे करने के लिए कुछ नहीं है, किशोर मोनू वापस वहाँ पे लेट चुके हैं और मैं जो है यहाँ बाहर बैठा हूँ भाई। और सुबह का नाश्ता भी नहीं बना सकते, अब बनाने के लिए कुछ नहीं है यार। क्या बनाए, कुछ नहीं है हमारे पास बनाने के लिए। वो तो वहाँ पे कॉल करेंगे, हाँ भाई चाय लेके आ जाओ, यहाँ पे तो चाय कॉफी कुछ भी नहीं पी सकते। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और यहाँ पर है ना जो सुबह का माहौल वो काफी ज्यादा प्यारा है, देख सकते हो आप भाई। भाई चिड़िया की आवाज आ रही है। और जो ये झोपड़ा बना हुआ है, ये झोपड़ा ऐसी जगह बना हुआ है जहाँ पर चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और बीच में ये झोपड़ा बना हुआ है, और ये भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है वैसे तो। लेकिन सही बात बताऊं, मैं हो रहा हूं बुरी तरीके से बोर भाई, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, मुझे बाहर निकलना है यार। अगर वो यहाँ पर होते हैं ना मेरे सारे के सारे टीम मेंबर, तो यार हम आराम से फुल मजे लेते, लेकिन कोई नहीं है यहाँ पर, मैं अकेला हूँ और एक कैमरा मैन है, तो यार दो बंदे क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हम घूम रहे हैं आलतू फालतू तरीके से। मैं सोच रहा हूँ यार ना लेता हूँ, पहले ना कॉफी पीता हूँ फटाफट से। गाइस ठंड तो कम ही नहीं हो रही यार। यहाँ पे देखो हमने आग जला ली क्योंकि किशोर ने यहाँ पे देखो एक शर्ट पहन रखा है बस, मोनू ने भी शर्ट पहन रखा है, मैंने भी टी शर्ट पहन रखा। मुझे क्या बता था इतनी सर्दी पड़ेगी, बहुत ठंड थी रात को, इसमें तो बहुत ही ज्यादा ठंड लगी भाई। तो गाइस जो ये पानी है ना वो काफी ज्यादा ठंड है, लेकिन मैं इसके अंदर नहाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास में अभी करने के लिए कुछ भी काम नहीं है भाई, फुल बोर हो रहा हूँ मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर स्विमिंग की जाए,
खतरनाक ठंडा गाइस, खतरनाक वाला ठंडा है ये पानी गाइस। ऐसे तो मन नहीं कर रहा है उसमें नहाने का, पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा गर्म पानी। हाँ ये गर्म पानी है, पहले ठंडे पानी में कूदूंगा फिर भाग के आके इसके नीचे आ जाऊंगा। हाँ सब अच्छा होगा, ठीक है स्टार्ट। 1 2 3 मन ही नहीं कर रहा यार। 1 2 3 काफी चिल्ले ये पानी भाई, सर्दी का मौसम है, सुबह सुबह का माहौल है भाई, और काफी ठंडा पानी है। कोई नहीं कूद जाता हूँ। 1 2 3 भाई अब जाके अच्छा लग रहा है मुझे गर्म पानी से नहाकर। ओए काफी ठंडा पानी था। वीडियो को आप लाइक करो फटाफट से भाई, सर्दी के मौसम में स्विमिंग पूल में कूदा मैं आपके लिए। वीडियो को फटाफट से लाइक करो गाइस। यहाँ पर हमारा टाइम पास नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पे गाने चला के बैठे हैं। देखो बंद हो गया ना भाई, बैठे डाउन हो। बाहर तो इतनी ज्यादा धूप है, देखो भूख लग रही है रे यार। भाई कुछ दिया ही नहीं बनाने के लिए, सुबह का नाश्ता भी बनाने के लिए नहीं दिया। किशोर को तो चाय पीनी है। चाय भाई मैं तो चाय लवर हूँ गाइस, सुबह उठती मेरे को चाय चाहिए आज, बिना चाय के भाई 11 बज चुकी है, 11 बजे तक भाई को चाय नहीं मिली यार। बड़ा बड़ा बेचारा, और मोनू को भूख लग रही है, इतना बड़ा शरीर है। गाइस कुछ ऐसा होता है जब हम 0 स्टार रूम के अंदर सरवाइव करते हैं पूरे 24 आवर्स। तो हमने पूरे 24 आवर्स हमारे 0 स्टार वाले रूम के अंदर बिता लिए हैं। क्यों किशोर क्या बोलना चाहेगा भाई? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ अच्छा, वैसे होटल वाला फील तो नहीं आया, लेकिन फिर भी अपने लाइक ठीक है गाइस। हम जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं तो हमको यही अच्छा लगता है। 5 स्टार होटल हमारे लिए कुछ भी नहीं इसके आगे। वाओ किशोर फेंक रहा है बहुत बड़ी बड़ी मिली नहीं इसलिए बोल रहा है। मनु तू क्या बोलना चाहेगा? मैं परेशान हो गया, जा रहा हूँ मैं तो भाई। अब हमारा चैलेंज खत्म होने वाला है, यहाँ पर हमारी लक्ष्मण रेखा पार होने वाली। 1 अरे क्या घर में रह एक साथ 3 हमारा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। भैया का चैलेंज हमें नहीं पता कैसा गया कैसा नहीं गया, हमारा तो कंप्लीट हो गया। फाइनली गाइस जो चैलेंज है वो खत्म हो चुका है, वो भी अपनी झोपड़ी से बाहर निकल चुके हैं, तो मैं भी निकल जाता हूँ फटाफट से सामान पैक करता हूँ। तो ये अपना बैग भाई, कुछ भूल ना जाऊं मैं यहाँ पर। गाइस मैं भूल रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज, फटाफट से लेता हूँ भाई। ये गाइस ये है मस्टे का कोको एलो शैम्पू एंड मस्टे का कोको एलो हेयर सीरम स्प्रे। भाई ये मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कभी भी अगर ट्रेवल करता हूँ तो इन दोनों चीजों को तो हमेशा साथ में रखता हूँ। तो आपको क्या करना है भाई, इसको ऑर्डर करना है, फटाफट से जाकर इसको ऑर्डर करो। काफी अच्छा प्रोडक्ट है भाई, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल में नहीं हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। बाय बाय झोपड़ी, बाय बाय।